2016 में उत्तराखंड सरकार एक मलिन बस्ती करके कानून लेकर आई। उसका मैं ये था कि जो भी कॉलोनियां चाहे किसी नदी के किनारे हैं, रेलवे लाइन के किनारे हैं या कहीं भी सरकारी भूमि पर हैं, अतिक्रमण है, तब भी उनको रेगुलराइज किया जाएगा, उनको हटाया नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी ने भी उस स्कीम को लागू रखा, लेकिन उसके लिए सर्वे कराया। तो जो सर्वे कराया तो पूरे उत्तराखंड में काफ़ी बस्तियां हैं, खुद हल्द्वानी में 22 बस्तियां ऐसी जो मलिन स्कीम में आती थी, लेकिन 5 बस्तियों को उत्तराखंड सरकार की यानी बीजेपी सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग कर दिया। वो 5 कौन सी हैं? मुस्लिम बहुल हैं, उसमें एक ये भी है। तो यानी हर तरह से उत्तराखंड सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है अल्पसंख्यकों के साथ और इस बस्ती को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उजाड़ना चाहती है और मुसलमानों को बेघर करना चाहती है। जिस तरह से मुसलमानों को आसाम में बेघर किया गया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मुसलमानों को बेघर करना चाहती है। और सिर्फ बेघर करना नहीं, वो बेघर करते हुए दिखना भी चाहती है, क्योंकि उसकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उसका हार्ड कोर हिंदुत्व वाला वोटर है, वो खुश होता है कि बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। अब आते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। ये वो ज़मीन लीज की ज़मीन है, नजरुल की ज़मीन है, उनके पास 100 साल के यानी 1937 के, 1930 के, 1940 के डॉक्यूमेंट हैं, वो लोग लीज होल्डर हैं, 3-3, 4-4 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं, सरकारी इमारतें मौजूद हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सरकारी वाटर टैंक हैं, पाइपलाइंस पड़ी हुई हैं, रोड बने हुए हैं, यानी सरकारी भी तमाम तर डेवलपमेंट्स वहाँ हैं। और सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किए, उसे बीजेपी ने भी किए हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस की एक आदत है कि वो किसी भी मुस्लिम इशू को लटकाए रखना चाहती है ताकि वो इनको डर दिखाती रहे, इसलिए कांग्रेस ने तो उस मसले को हल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट चली गई कांग्रेस, लेकिन हल नहीं किया। उस फसल का काट रही है बीजेपी, जिस तरह से एनआरसी का शगुफा कांग्रेस ने आसाम में छेड़ा था और अब उस फसल को काटा बीजेपी ने, और खरबूजा कौन बना? मुसलमान। सेम चीज ये हल्द्वानी में हो रही है, ये जख्म है कांग्रेस का, अब उस जख्म का ऑपरेशन कर रही है बीजेपी। अब हमारा कहना यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नारा देती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, दूसरा नारा है उसका कि जहां झुग्गी वही मकान, तीसरा नारा है उसका कि 2022 तक सबको पक्का मकान, तो ये तीनों नारे को क्या हुआ? यानी अगर पहली बात तो उनके पास मालिकाना हक है, मैं मान लेता हूं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है साहब मालिकाना हक नहीं है और रेलवे की जमीन है, तो रेलवे भी तो भारत सरकार का है, भारत सरकार अपने रेलवे को बोले कि कोई बात नहीं, आप जो भी जमीन आपकी है उसका एक वो मुआवजा ले लें। जब अदानी को 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की जगह 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर SEZ के नाम पे दी जा सकती है, तो ये 50,000 गरीब भारतवासियों को जमीन नहीं दी जा सकती। जब वही मोदी जी जो कांग्रेस ने 3 मरतबा से दिल्ली के रथराइज कॉलोनियों को लटका के रखा हुआ था, उन्हीं मोदी जी ने बाकायदा विधेयक पास करा के संसद में 1739 कॉलोनियों को रेगुलराइज कराने का विधेयक पास कराया। वही मोदी जी केंद्र में है जिनके पास रेलवे है, वही मोदी जी की सरकार वहां बीजेपी की है जो उत्तराखंड सरकार है, तो ये दोनों सरकारें मिलके आखिर वहां गरीबों को साथ क्यों नहीं दे रही? इसलिए कि वो मुसलमान है, इसलिए कि वहां 90% लोग मुसलमान है और 10% लोग दूसरे धर्म के हैं। तो ये जो सरकार का रवैया है, ये खुलेआम लोकतंत्र में जिस तरह से अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, उस तरह से ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर डाके डालने जैसा है। ऑल इंडिया मदरसा इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इस पूरे प्रकरण पे भारतीय जनता पार्टी पे सवालिया निशान लगाती है कि क्या ये तुम्हारा वोटर नहीं है? क्या ये भारतवासी नहीं है? क्या ये उत्तराखंडवासी नहीं है जो उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ नहीं खड़ी हुई? आज जो याचिकाकर्ता के बहाने से हाईकोर्ट के आड़ में छुपना चाहती है बीजेपी और ये बताना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहे हैं और सरकारों का कोई रोल नहीं है, और ये इतने 60-70 हज़ार भारतवासी ऐसी सड़क में छोड़ दिए जाएंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी की नीति पे और उनकी नीयत पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है और ये मांग करती है कि इस मसले को टेक्निकल ग्राउंड चाहे कितनी ही सॉलिड है वहां के रहने वालों की, लेकिन मानवीय आधार पर भी उनको हर तरह का रिलीफ मिलना चाहिए,
वो घर बसे हुए हैं, बसे रहने देना चाहिए। अगर कोई मसला, कोई 10 एकड़ जमीन रेलवे की है भी, तो रेलवे को उत्तराखंड सरकार मुआवजा दे, और ताकि चूंकि वो वहां से हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और तमाम तरह के टैक्स वसूल रही है, इसलिए राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। जिस तरह से उसने मलिन बस्तियों का एक विधेयक पास कराया है, मलिन बस्तियों के लिए उसने राज्य सरकार की अधिग्रहण भूमि या अतिक्रमण भूमि पे भी उनको रहने का अधिकार दिया हुआ है, उसी तरीके से इसको भी अधिकार दिया जाना चाहिए।